लखनऊ के चिनौट थाना क्षेत्र के सतरी रोड पर आंधी के दौरान ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर के आसपास मौजूद आधा दर्जन झुग्गियां जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची तीन दमकल विभाग की गाड़ियों ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर बस चालकों ने कुछ पुलिस कर्मियों के बस चालक की पिटाई करने के विरोध में चक्का जाम कर दिया। राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर कैसरबाग, अमीनाबाद और वजीरगंज पुलिस मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने बस चालकों से बात करते हुए उनको समझाया और रास्ता खुलवाया। हम लोग एक साल से मुख्यालय MD महोदय को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराते हैं कि हमारे बाराबंकी की करीब 135 गाड़ियां पर रूट 100 गाड़ियां जो 135 गाड़ियां लखनऊ टच करती हैं, जिसके लिए एक प्लेटफार्म होना चाहिए जिससे जो आए दिन होता है, विवाद होता है, पैसा विभाग कमाता है और मार हम लोग खाते हैं। अगर 135 गाड़ियां हर ट्रिप एक लखनऊ आती है, उसके लिए एक प्लेटफार्म की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं गाड़ी कैसरबाग चौराहे पे जाम लगा था, मैं मोड़ रहा था यहीं पे, उसके बाद डंडा दिखाया हमने, फिर गाड़ी देने काट दिया कैसरबाग तरफ, उसने फिर गाड़ी देना डंडा घुसेड़ दिया, उसके बाद उतार लिया, उसके बाद उतार लिया हमें कंटा साहब ने, कुछ गेट से गए उनको डंडा मार दिया, ढकेल दिया। बस चालक चौराहे से बस घुमा रहा था तभी एक सिपाही ने उसको गाड़ी से उतार कर पीट दिया, जिसके बाद से बाराबंकी डिपो के सभी चालकों ने कैसरबाग से पुराना हाईकोर्ट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। बस चालकों का कहना है कि उनको कैसरबाग बस अड्डे के अंदर जगह दी जाए, जिससे कि रास्ता जाम होने की परेशानी से निजात मिले। लखनऊ के सरोजनी नगर के शांति नगर में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। परिवार वाले घर बंद कर घूमने गए थे, तभी चोर ने घर का ताला तोड़कर 15 से 20 लाख रुपए की जेवर और कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। जब मैं 8 बजे आया हूँ तो जब मैंने देखा मेन गेट हमारा खुला टूटा हुआ था, तो फिर मैं अंदर घुसा तो देखा तो पूरा घर हमारा ऐसे बिखरा पड़ा हुआ था। कल आप घर में जब यहाँ पे सब लोग गए ताला बंद करके, कोई घर में नहीं था? कोई नहीं था। हम 8:30 बजे यहाँ से रात में यहाँ से गए अपने बेटी के घर खाना खाने के लिए, फिर खाना खा करके जैसे ही चलने लगे आंधी तूफान आने लग गया, तो बेटी ने रोक लिया वहीं पे अपने घर पे, हम वहाँ पे रुक गए। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दावे भले कुछ भी हो, लेकिन हकीकत रोज दिखाई दे जाती है। लखनऊ में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली सिविल अस्पताल में देखने को मिली, जहां पर एक्सीडेंट में घायल मरीज के परिवार वाले उसे टेम्पो से अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें स्ट्रेचर तक नहीं मिला। बाद में जैसे तैसे उन्हें डॉक्टर तक ले जाया गया। यहाँ आ रहे हैं हम, 29 दिसंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो 29 दिसंबर से हमारा यही इलाज चल रहा है। अच्छा, कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो? वो है सिन्हा साहब, नाम पूरा नहीं मालूम है। सिविल अस्पताल में परिसर वाले वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टरों तक स्ट्रेचर दिलाने की गुजारिश करते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं हुई। बाद में परिवार वाले उन्हें जैसे तैसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। बाराबंकी में रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक और मारुति वैन की टक्कर हो गई, 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में शहीद सैनिक की बहन की शादी में जब प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने कोई मदद नहीं की, तो शहीद सैनिक के साथ ही सैनिक आगे आए और धूमधाम से शादी कराकर इंसानियत की वो बेहतरीन मिसाल पेश की, जिसकी सब ओर सराहना की। CRPF के सैनिक राकेश चौरसिया, जो 2009 में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हो गए थे, तब से अभी तक 9 साल बाद भी इनका परिवार किसी भी सरकारी सुविधा, आर्थिक मदद से वंचित है। और हद तो ये है कि शहीद राकेश चौरसिया का स्मारक आधा अधूरा पड़ा है और उनकी मूर्ति भी नहीं स्थापित। सैनिकों की तरफ से तो पूरा सहयोग उनकी तरफ से मिला, सुख दुख में फोन करते हैं हर में, मतलब हर महीने 15 दिन में फोन अक्सर आता है। बाकी UP सरकार और जिला प्रशासन की ओर से तो कुछ भी नहीं हुआ। भैया का भी स्मारक वैसे पड़ा है, इतने चक्कर लगाए नगर पालिका के, जिला DM वगैरह, DM साहब के, वो आज तक स्मारक तक नहीं बना। जो प्रोग्राम होते हैं, स्वतंत्रता प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों में कभी भैया की समाधि में आते हैं लोग? प्रशासन कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। अभी लोग अपने आपस में झंडा रोहण कर लेते हैं,
कोई जिला प्रशासन ना कोई अधिकारी जी कभी नहीं आता, कोई सम्मान नहीं मिल पा रहा, कोई नहीं ना स्मारक में कुछ कोई बन पा रहा है ना जिला प्रशासन जी कोई मदद नहीं देते। ये है कि वो शादियों में तो सभी में शामिल हुए, उसके बाद छोटी सिस्टर की शादी हुई थी तभी भी उन्होंने अपना एक जवान भेजा था, तो उस समय क्योंकि सभी को इतना जानकारी नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी तो सभी भाई लोग आए, बहुत अच्छा लगा, सभी शामिल हुए शादी में और बात भी करते हैं, सपोर्ट भी रहा उनका। औरैया की नगर पालिका में फर्जी नियुक्ति का खेल जारी है, इन नियुक्तियों के जरिए प्रति माह लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। कई बार जिले के उप जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में नियुक्तियों को अवैध बताने के बावजूद जिले के आला अधिकारी इन फर्जी नियुक्तियों पर जांच की बात कर रहे हैं। 2016 में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कौर ने एक बाबू के माध्यम से तत्कालीन SDM अधिकारी राजेंद्र कुमार से रूटीन वर्क के कागजातों में हस्ताक्षर करने के साथ साथ फर्जी ढंग से नियुक्ति संबंधी कागजातों पर भी हस्ताक्षर करा लिया, जिसमें हेमंत दीक्षित व नागेश कुमार तिवारी का ट्रैक्टर चालक के रूप में नियुक्ति दे दी गई। जब इस बात की जानकारी SDM राजेंद्र कुमार को हुई तो उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इन नियुक्तियों को फर्जी करार देते हुए निरस्त करने के लिए पत्र लिखा, लेकिन नगरपालिका प्रशासन के द्वारा इन सभी का वेतन निर्गत किया जा रहा है। इन सभी के वेतन पर प्रतिमाह 70,000 से अधिक का चूना लग रहा है। फर्जी ट्रैक्टर चालकों से पालिका में बाबू का कार्य लिया जा रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद पालिका प्रशासन व जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पोस्ट के ड्राइवर के नाम पे नियुक्तियां हुई थी, आज तो उनको बाबू बना दिया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, क्या ड्राइवर को प्रमोटेड करने का बाबू बनाने का कोई है भाई लॉज? ड्राइवर के नाम पे भर्तियाँ हुई थी तो नागेश कुमार दीक्षित और हेमंत, दूसरा हेमंत कुमार दीक्षित, नागेश कुमार चतुर्वेदी उस दीक्षित लिखते हैं वो, और हेमंत कुमार दीक्षित, ये दो भर्तियाँ बिल्कुल जिस दिन ये भर्तियाँ हुई उस दिन इनके पास DL नहीं थी, ना तो आज तक इनसे किसी ने ट्रैक्टर चलवा के देखा। बस नीमा व्रत अनुसार सब पालिका को लूट रहे हैं सारे लोग मिलके, सभी मिले कर्मचारी अधिकारी। औरैया में बेरोजगारों से 1.5 लाख रुपए लेकर नौकरी देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित बेरोजगार कई महीनों की भागदौड़ के बाद भी नौकरी पाने में सफल ना हुए और नौकरी के नाम पर दिए गए रुपए भी डूबते नजर आए। तब इन लोगों ने कानून का सहारा लिया, लेकिन कानून भी इन बेरोजगारों की मदद करने में सफल होता नहीं दिख रहा है। परेशान क्या बाढ़ नौकरी लेने के लिए नामक और आकाश पाठक नाम के लड़के साथी, दोनों साथियों ने हम ठगी की 1,30,000 की, एक साल होने वाली है, चक्कर लगा रहे हैं कि कोतवाली कहीं CTCO कहीं SP साहब कहीं भागे भागे फिर रहे, कोई सुनता नहीं है, कुछ नहीं सुनवाई गई, हो जाएगा करते आए नहीं, कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही है। स्वास्थ्य विभाग से लेके और शिक्षा विभाग में हर तहसील स्तर से सब नौकरी दिलाने की कह रहे हैं। इसको पहले ही मैं CO City को और इसको कछुआ के पास में अपनी देख रेख में इसकी जाँच करावें, और जो आप दे रहे हैं ऑडियो, ये पहली बार दे रहे हैं आप ऑडियो रिकॉर्ड है, उसको भी स्वयं सुनेंगी और वो इनको मैं बता दे रहा हूँ कि जाके जो है इस ऑडियो रिकॉर्ड को CO City को भी सुना दें। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जितनी संजीदा है, सरकार के कर्मचारी उतने ही लापरवाह। मऊ के जिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम के लिए रखे जाने वाले शव पूरी तरह से सड़ चुके हैं, क्योंकि यहां पर लगा हुआ AC पिछले 10 दिनों से खराब है। पोस्टमार्टम हाउस के फार्मासिस्ट के लगातार शिकायत करने के बावजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। संभल में निजी वैकेंट हॉल पर SBI की छापेमारी से हड़कंप मच गया। सदर कोतवाली इलाके में काफी सालों से विक्रम पैलेस नाम से एक वैकेंट हॉल में संचालित है, जिसका आज तक GST पंजीकरण नहीं है। SBI ने कार्रवाई की बात कही। SIB को सूचना मिली कि अवैध रूप से चल रहे वैकेंट हॉल को शादी समारोह में लाखों रुपए लेकर किराए पर दिया जाता है। सूचना पर पहुंची SIB टीम को यहां एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं मिला जिसे साबित हो जाए कि यह वैकेंट हॉल नियमों का पालन कर रहा है।
GST में इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और SIB टीम को सूचना मिली कि इसमें रजिस्टर्ड नहीं है अभी, तो इसकी जांच की जा रही है ताकि ये रजिस्ट्रेशन ले लें। मतलब पंजीकरण नहीं है इनका? पंजीकरण नहीं है, GST में अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आप GST रजिस्ट्रेशन आप बता रहे हैं कि नहीं है, तो इसमें आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? अब ये जाँच रिपोर्ट आने के बाद में जो भी एक्ट के अनुसार कार्रवाई होगी। कासगंज के सहावर सर्किल में 24 घंटे में डकैती और हत्या की ये दूसरी बड़ी वारदात सामने आई है। अवंतीबाई नगर में बीती रात डकैतों ने डकैती का विरोध करने पर एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। डकैतों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए खूनी खेल खेला। परिजनों ने शव को मेन चौराहे पर रख कर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे CO ने आक्रोशित भीड़ का घेराव किया। जौनपुर एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे ने सुरक्षा को प्राथमिकता रखा है, ट्रैक रिन्यूअल का काम पूरा किया है, आने वाले दिनों में गाड़ियां समय से चलेंगी, गर्मी की छुट्टियों के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सन 1947 से लेकर 2014 तक रेल के विभिन्न परियोजनाओं पर जितना खर्च किया गया होगा उससे ज्यादा बस 14 से 2018 के बीच जितना ज्यादा काम हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है उतना कभी नहीं हुआ। हम जल्द ही पूरे देश में इलेक्ट्रिक तकनीकी से रेलवे ट्रेनों को संचालित करने जा रहे हैं, ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। जानकारी थोड़ी मैंने पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं है, कुछ गाड़ियां हैं जो देरी से चल रही हैं और रेलवे ने सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता पर पिछले दिनों रखा था, जिसके कारण ट्रैक रिन्यूअल के कई वर्षों से पड़े हुए काम हमने पूरे किए हैं। अब वो काम खत्म हो गए हैं, पंक्चुअलिटी पर पूरा भारतीय रेल ध्यान दे रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में शीघ्र गाड़ियाँ समय से चलने लगेंगी। इस समय गर्मियों की छुट्टी है, समर स्पेशल गाड़ियाँ भी हम चला रहे हैं, जिसके कारण रेल खंड पर दबाव ज़्यादा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जौनपुर और पूरी उत्तर प्रदेश में 47 से लेकर 2014 के बीच रेल की विभिन्न परियोजनाओं पर जितना व्यय हुआ होगा उससे ज़्यादा व्यय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 14 से 18 के बीच हो रहा है। यहां 3 रेल खंड हैं जिनके दोहरीकरण और विद्युतीकरण के कार्य की स्वीकृति। एटा के शहर कोतवाली स्थित मेहता पार्क जिला पुस्तकालय का हाल बेहाल है। इस अव्यवस्था को लेकर छात्र छात्राओं ने शहर की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने गंदगी और पुस्तकालय कंपाउंड में शराब की पड़ी बोतलों को देखकर पूरे शहर में जुलूस निकालकर अपना रोष व्यक्त किया। छात्रों का कहना है कि 3 साल पूर्व ये पुस्तकालय शुरू हुआ था, लेकिन आज यहां जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। मौके पर पहुंचे SDM ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही अव्यवस्थाओं को दूर करने की बात कही है। ये मामला अभी मेधाव्रत जी यहां पे ज्ञापन लिए हैं, छात्रों ने दिया है, मेधाव्रत जी समाज से भी है, साथ में उनके में छात्र भी है जी। इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उससे संज्ञान में आया है कि वहाँ पर जो मेहता पार्क स्थित पुस्तकालय है उसकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, इसको संज्ञान में लेते हुए विलम्ब कोई आवश्यक कार्रवाई। फर्रुखाबाद में जिला अधिकारी के आदेश पर पोर्टे की जांच करने गए पूर्ति निरीक्षक के साथ मारपीट का प्रयास किया गया। वहीं दबंग कोटेदार ने कार्ड धारकों से मारपीट कर ली। पूर्ति निरीक्षक ने मामले से आला अधिकारियों को अवगत कराया। उसी समय उचित दर विक्रेता उएश विद्यालय में आ गया, देखते ही देखते उसने कार्ड धारकों के साथ जमकर मारपीट की। मिली जानकारी के मुताबिक बीच बचाव करने वाले पूर्ति निरीक्षक से भी मारपीट का प्रयास किया गया। हरदोई में पुलिस ने एक ट्रॉली सरकारी राशन पकड़ा है। राशन की कालाबाजारी करने वाले कोटेदार को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सरकारी राशन, जिस पर करीब 100 बोरी गेहूं लदा हुआ था। लोगों ने पुलिस को बताया कि राशन सरकारी है तो पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद मामले की जानकारी खाद्य विभाग को दी गई। खाद्य विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर ट्रॉली व कोठेदार को कोतवाली देहात पुलिस के सुपुर्दगी में दिया गया।
बताया जाता है कि यह राशन कालाबाजारी को जा रहा था। बताया जा रहा है कि कोटेदार कमलेश राशन माफिया प्रदीप गुप्ता का करीबी रिश्तेदार है और यह राशन उनके पास जा रहा था। गुरुवार को इलाहाबाद में हुई वकील की हत्या के बाद लखनऊ बार एसोसिएशन ने पुलिस प्रशासन का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के बाहर पुलिस प्रशासन का पुतला फूंक डाला। भारी संख्या में वकीलों को देखते हुए प्रशासन ने कोर्ट के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया है। सीतापुर में अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। सीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के चलते गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंची वृद्ध महिला को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। शर्मसार करने वाली बात यह है कि महिला के बेटे को अस्पताल से एम्बुलेंस न दिए जाने से उसे कंधे पर लादकर ले गए।